नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जे आर डिफेंस एकेडमी उज्जैन। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह धार में भर्ती हो रही है और इस संदर्भ में हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बच्चों का फीडबैक ले रहे हैं। तो अभी सुबह की जितनी भी फाइलें दौड़ी हैं तो हम कुछ बच्चों से जानेंगे उनके फीडबैक के बारे में। और अभी देख रहे हैं जो बच्चे निकल के जा रहे हैं तो उनसे कुछ जानेंगे, है ना। तो क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रखर पालवे है। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो आप? पोचू पट्टी धार से। अच्छा अच्छा, तो आपने अभी कौन सी फाइल में, इधर कौन सी फाइल में दौड़े आप? मैं थर्ड फाइल में दौड़ा हूँ। जी, हमें बता सकते हैं कि अभी अंदर, जैसा कि आपने तो पहले भर्ती दे चुके होंगे? नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। तो कितनी क्या टाइमिंग ले रहे हैं अंदर? अंदर वैसे एफर्ट तो अब मैं पूरा टाइम दे रहे हैं वैसे तो, और पूरा एफर्ट लगाया था बट काटने के चक्कर में रह गया, मैं काट नहीं पाया। सीधी सी बात यह है कि मेरी जो भी मैंने कोशिशें करी थी वो कम पड़ गई है। तो आप क्या बता सकते हैं कि एक फाइल में कितने बंदे दुड़वाए हैं? एक फाइल में 200 के समथिंग उन्होंने बंदे दुड़वाए हैं और उसमें से उन्होंने 15 से 20 बंदों को सिलेक्ट कर रहे हैं। वो 15 से 20 बच्चे ले रहे हैं, मतलब वही पारदर्शिता है जो पहले थी, 15 से 20 बच्चे ले रहे हैं। अच्छा, अंदर आपको और कुछ लगा ऐसा कि जो मतलब मैंने तैयारी की और वो अंदर मेरे को पहली बार भर्ती थी तो मेरे को बस प्रॉब्लम एक आई कि मतलब पूरी तरीके से रेडी था मैं बट मेरे को पता नहीं था कैसे क्या होता है अंदर। उन्होंने बोला दौड़ो तो काफ़ी बच्चे आगे निकल गए एकदम से, तो उस कारण मतलब काफ़ी बच्चे आगे निकल गए। अब कई लोग सेकंड टाइम भर्ती रहती तो उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है। आपका बीच में कहाँ बिठाया था, किस जगह फाइल में, किस जगह नंबर पड़ा था आपका, मतलब जो पिठाए था ना? हाँ। तो उसमें आपका कहाँ बीच में, सेंटर में पड़ा कि पीछे के सबसे आगे? नहीं, सबसे आगे से मुश्किल से 10 बच्चों के पीछे था मैं। मतलब हाँ, वो तो प्रथम ही हो गया, मतलब प्रथम ही हो गया। तो सर की पहली भर्ती थी और बोल रहे थे कि अच्छा फीडबैक है इनका, तो आगे नेक्स्ट आपकी कैसी क्या तैयारी? आगे से सर अब पूरा एफर्ट लगाने की ट्राई करूँगा मैं। जी, 3 महीने बाद है नेक्स्ट भर्ती। चलो ठीक सर, थैंक यू। तैयारी करके आ रहा है, उसका चयन होगा निश्चित। अगर तैयारी का ठीक से करी बच्चे ने, अब ऐसा बोल नहीं सकते सर क्योंकि क्या होता है पीछे भी लगा देते तो पीछे के कारण भले कोई कितनी तैयारी कर ले, काटना मुश्किल है, इम्पॉसिबल हो जाता है काटना। हाँ, इधर आ जाओ, इधर कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, थैंक यू बेटा, है ना, थैंक यू। अच्छा करना, आ जाओ इधर, आ जाओ। चलो, जैसा कि देख लिया आपने कि सब बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं ग्राउंड से, और इनका ये कहना है कि चाहे पीछे बिठा हो या कहीं भी बिठाया लेकिन थोड़ा समय का कहीं लग रहा है इनको। आप कितने महीने से रनिंग कर रहे हैं? मैं 1 साल से कर रहा था सर। 1 साल से कर रहे? हाँ। आपका रनिंग सेल्फ रही क्या? हाँ, सेल्फ रही, बस सर लास्ट राउंड में रुक गया था मैं। हाँ। तो आज जो फाइल में बिठाया गया था बच्चों की संख्या कितनी थी? बच्चों की संख्या 200-250 थी। 200 से 250 लोगों की बच्चों की संख्या थी। आपका नंबर कहाँ पड़ा था? मेरा नंबर सबसे लास्ट उधर साइड से था। अभिषेक पाटीदार। अभिषेक पाटीदार, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब ये रनिंग करते टाइम कितना चक्कर के बाद थकना शुरू हुए थे? मैं तो अभी भर्ती होनी है। अच्छा, भर्ती नहीं है आपका, मतलब भर्ती हुआ ही नहीं है। आप बताएं थोड़ा सा कि आप 2 चक्कर मारने के बाद थकना लग रहे थे कि कैसा, क्या महसूस हो रहा था अंदर? नहीं सर, 2 चक्कर के बाद थकने तो लग रहे थे लेकिन थोड़ा और खींचा हमने 3रे चक्कर में, लेकिन वो फर्स्ट वाले बंदे से डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर इनका ये कहना है कि पहले वाले बंदे से या जो आगे वाले जो दौड़ रहे थे उनसे काफ़ी इनका डिस्टेंस बढ़ चुका था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिमोरल हो जाते हैं कि आप बच्चा आगे निकल। हाँ बिल्कुल, बच्चा आगे निकलने के बाद वो थोड़ा मनोबल भी गिर जाता है और फिर समय भी कम रह गया था तो हमको अंदर ले लिया था 3रे राउंड के लगभग। मतलब 3रे राउंड के बाद इनको दौड़ने नहीं दिया, मतलब आपको कहने मतलब है ना, ये जो एक रहता है समस्या कि 4था राउंड पूरा मतलब समय से बाहर जाता है बच्चा तो उनको पहले ही रोक लिया जाता है, जैसा कि और भी भर्तियों में आता है। मतलब आपको कुछ अलग से लगा है कुछ कि अग्निवीर की जो अभी एक नई शुरू हुई तो उसमें अलग से कुछ लगा आपको कि ये लगा क्या पहले की भर्ती में? मैं पहली भर्ती है, इतना कुछ नॉलेज नहीं, पहले ही भर्ती था। अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने बंदे ले रहे हैं एक फाइल में से? वो इतना कुछ गिना नहीं जाता है सर, वो फिर निकालता है। कितने 200 लड़के बैठे होंगे एक फाइल में? हाँ लगभग ये कोई 200-250 के लगभग। तो जैसे आप ग्राउंड में आ गए होंगे तो कितने बंदे अंदर ले लिए? लगभग 7-8 बच्चे ले रहे हैं एक राउंड। अच्छा, ये बताइए अंदर ग्राउंड की क्या स्थिति? ग्राउंड तो बहुत स्टिक था। अच्छा, हाँ उसकी क्वालिटी भी थी, हाँ बढ़िया था। हाँ, विदाउट जूते से दौड़ रहे थे बच्चों। तो ये ग्राउंड क्या मतलब प्रॉपर 1600 मीटर ही है कि कम या ज़्यादा है? प्रॉपर 1600 मीटर लगा सर। हाँ प्रॉपर लगा 1600 मीटर। तो मतलब यहाँ कहने के लिए अगर अच्छी तैयारी हो सर और अगर आपकी तैयारी लंबी है तो आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं ऐसा?
हाँ निकाल सकते अच्छे से। चार से छः महीने अगर पहले अगर दौड़ेंगे आप तो मतलब ये कवर कर सकते हैं आप, पर इसके लिए भी आपको कंटिन्यू बनना पड़ेगा। हाँ, और ये लग रहा है कि जो वास्तविक तौर पे मेहनत करी है, जिसने 8 महीने 10 महीने या 2 साल या 1.5 साल से बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कनेक्ट कर पा रहा है भर्ती को, और समय तो पूरा दे रहा है। समय में कोई आपको लग रहा है ऐसा कि आर्मी वाले समय कम दे रहे हैं करके? समय सारा ठीक दे रहे हैं ना। अच्छा, ग्राउंड की स्थिति बढ़िया है? बढ़िया थी, हाँ सही से उठ रहे थे। चलो अच्छी बात है, ग्राउंड अच्छा है। जैसा कि महू के सॉरी धार का जो साई ग्राउंड है उसके बारे में बहुत विख्यात है कि ग्राउंड बहुत ही अच्छा है और अगर पानी नहीं गिरता है तो वाकई में वो पूरा पूरा साथ देता है क्रिकेट मैदान की तरह। तो आपका क्या कैसा क्या आपका नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, आदित्य कुमार आपने कितना समय से आपने ये रनिंग करना शुरू कर दी थी? जी मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने 1 महीने से। ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मतलब आपका नोटिफिकेशन आने के बाद आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने रनिंग शुरू करी होगी। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक कर लिया फर्स्ट में उन्होंने पहले? सर वो 10th मार्कशीट, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। एडमिट कार्ड तो शायद सबसे फर्स्ट में ही मांग लेते हो, है ना? हाँ भाई, ये चार करवाने से पहले महत्वपूर्ण 3 डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं ना। हाँ, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जी, उसके बाद आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और 10th सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट, मतलब अभी पहले करेक्ट सर्टिफिकेट और ये बाकी चीज़ें नहीं मांग रहे दूसरी, जैसे कि हम क्या बोलते हैं वो शपथ पत्र और ये सब चीज़ें की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है ना। मांगा था शपथ पत्र भी, मांगा था मतलब 5-6 हाँ वो लिखा है सर क्रम तरीके से। कितना घंटा अंदर आपको बैठना पड़ा? नहीं वो तो जैसे आपने यहाँ से फाइल आपने अंदर गए होंगे, फिर कंप्यूटर पे चेक करते हुए फिर आपको हाइट फर्स्ट हाइट में ली होगी, उन्होंने पाइप लगाया होगा वहाँ पर, तो आपको उसके बाद कितना वक्त में लगाना पड़ा, मतलब सुबह के लिए कितने घंटे इंतजार करना पड़ा? नहीं वो एक एक करके सबका ले रहे थे तो सबका निश्चित है समय लगता है। और आपको लगभग कितने बजे ये रनिंग करवा दी? रनिंग हमारे 4:30 के लगभग घड़ी थी हमारे पास, तो लगभग 4:30 के लगभग इनकी रनिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी। थैंक यू, आप लोगों ने अपना बाइट दिया। अच्छी बात है कि आप अच्छे से मेहनत करें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला अनुभव था, पहली बार में कोई समस्या आई है तो उसको अगली बार में आप उसको दूर कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।